कैसा फील कैसा हो रहा है? पहनाते थे ऊपर से एक दुपट्टा देते थे। नाइस होती है। हाँ अच्छा। ओह वाव सो क्यूट। देखो हमारी दुल्हनिया ये हो गई। मेरी मम्मी होती तो रोना शुरू हो रही है। फील हो रहा है। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सब? मैं मस्त चकाचक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड आज हम लोग चलेंगे बेबी लहंगा देखने के लिए मेरी शादी का। ऐसे देखो हम मुस्लिम वेडिंग्स में ना मतलब जिस टाइम विदाई होते हैं उस टाइम लहंगा पहनना होता कंपलसरी नहीं है। मतलब मेरे फैमिली में ऐसा नहीं होता है। आप चाहो गरारा शरारा जो चाहो वो पहन लो, अगर आप चाहो तो आप लहंगा भी पहन सकते हो। बट रिसेप्शन वाले दिन मेन होता है कि लहंगा पहन लिया एंड क्योंकि रिसेप्शन वाले दिन हमें स्टेज पे बैठना होता है। हमारे निकाह वाले दिन हमारे फैमिली में स्टेज पे नहीं बैठाया जाता है और बस उस दिन सारा काम एक रूम में दुल्हन रहती है एंड दैट्स इट। पूरे जमाने से उसको कोई मतलब नहीं होता है। पाइनएप्पल वाला आया क्या? एक्चुअली मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं बहुत क्यूट सी रेडी शेडी हो रखी हूँ क्योंकि अभी मैं ना एक गेट रेडी कर रही थी। एंड माई गॉड दिस हेयर कलर इज लुकिंग बवाल मैन, क्योंकि मुझे ऐसा शेड चाहिए था जो ऊपर से लाइटर होकर के नीचे डार्क शेड में है। ऊपर में ब्लॉन्ड है थोड़ा सा, मतलब गोल्डनिश टाइप है, बट नीचे आते आते ना वो हनी ब्लॉन्ड हो गया। तो 3-4 कलर के शेडिंग्स जो है मेरे हेयर में दे रखे हैं एंड ऐसे बाल मुझे अच्छे लग रहे हैं। आई एम नॉट लाइकिंग माई हेयर दैट स्ट्रेट वाला जैसा मैं पहले सोच रही थी, बट या नाउ इट्स वेवी काइंड ऑफ हेयर, तो ये अच्छे लग रहे हैं। और वैसे भी स्ट्रेटनिंग में मेरे बाल बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं। सो या आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। हम अगर लहंगा देखने जाएंगे डेफिनेटली आई विल गो विद जैना बिकॉज मेरी कोई ऐसी सिस्टर है नहीं और अभी मम्मी के पास टाइम नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, मेरी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग से स्टार्ट हो चुके हैं। वी आर डूइंग सो मेनी थिंग्स बट आई एम नॉट गोना शेयर एनीथिंग, क्योंकि हमारा ना ऐसा फैमिली है। देखो सबसे पहली बात ये है कि मैं इस फैमिली में हूँ जिधर से सोशल प्लेटफॉर्म पे देयर इज नो वन, मैं एक लौती हूँ। दैट्स व्हाई मैं अपनी फैमिली को भी इंक्लूड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यार उसके लिए बहुत कन्वेंस करना पड़ता है, मुझसे नहीं हो पाता है और फिर बहुत शाई भी फील करते हैं सब लोग, ऐसे फ्रेंकली बोल नहीं पाते ऑन कैमरा। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा टास्क हो जाता है। सेकेंड थिंग कि जो भी शॉपिंग्स हो रहे हैं डेफिनेटली मुझसे पूछ के हो रहे हैं, हर एक एक चीज़ में मेरी ओपिनियन ली जा रही है, मेरा पसंद मेरा नापसंद, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके का क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन है, कैसा तुम्हारे माइंड में है। बिकॉज या हमारी पेरेंट्स आर थिंकिंग कि जैसा उसको चाहिए वैसे ही हम उसे दें। एवरी थिंग वट एवर यू वॉन्ट जस्ट टेल अस, मेरे पापा का यही कहना है, वट एवर यू वॉन्ट। तो हमने ज्वेलरी फाइनलाइज कर लिए हैं। ज्वेलरी देखो हम लोग में ना लहंगा के साथ वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं जाता है, जो नग और स्टोन्स वाले होते हैं वो सारे ज्वेलरीज नहीं जाते हैं। हम लोगों में प्रॉपर गोल्ड चलता है पूरा। आप हेवी पहनो हल्का पहनो जो भी पहनो बट वो आपका गोल्ड होना चाहिए। एंड जो चीज़ें सिल्वर की होती है वो सिल्वर भी रहती है, लाइक पायल हम लोग गोल्ड नहीं बनवा सकते तो पायल सिल्वर की होती है। और चोटी में लगाने वाला, चोटी में का क्योंकि बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है, तो वो अगर गोल्ड का आप बनवाने जाओगे ना डेफिनेटली वो 10-15 लाख सिर्फ एक आपका चोटी का बनने वाला है। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि सिल्वर में लेना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें सिल्वर के होंगे। बट जो गोल्ड का होता है डेफिनेटली वो सारी चीज़ें ही गोल्ड के होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की ऑर्डर एंड ऑल सब कुछ चल रहा है क्योंकि देखो हर चीज़ बनाने का है एंड मेरी फिंगर साइज जो है वो बहुत छोटी है तो कुछ भी बन रहा है। हाँ आरसी चलता है हम लोगों में, वो जो पूरे हाथ में से पहन जाए तो बहुत प्यारा लगता है। और मुझे मैं इसी सब चीज़ों के लिए तो मेरे को शादी करनी बहुत ज़्यादा तलब थी। तो फाइनली हम लोग का सारा ज्वेलरी फाइनलाइज हो चुका है, मैं खुद जाके फाइनलाइज की हूँ बट आई एम अनएबल टू शेयर एनीथिंग क्योंकि यार मेरे को मतलब मेरे पेरेंट्स साथ में होते हैं, मम्मी पापा भाई मैं, और अगर मैं उस टाइम कैमरा उठा के ब्लॉगिंग करने शुरू करने लगी ना माई पेरेंट्स विल बी लाइक क्या है ये, क्यों है ये, हर चीज़ नहीं दिखाया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, धैर्य हो जाओ तुम्हारी ही चीज़ है, कल को जब तुम्हारे हाथ में मिल जाएगी तो तुम दिखा देना। बट ऐसे नहीं कि हम कहीं भी जा रहे हो तो तुम शूट करने शुरू लग जाओ। इसीलिए अपनी ड्रेसिंग्स अपने ऐसे एक्स्ट्रा से ज्वेलरीज अपने कपड़े अपने हील्स अपने मेकअप्स ये सब चीज़ें मैं दिखा दूंगी। बट जो फर्नीचर की है फर्नीचर्स भी हमारे सारे के सारे फर्नीचर्स ऑर्डर हो चुके हैं क्योंकि सब ऑर्डर होकर के बनवाया जा रहा है। हम लोग कुछ भी रेडीमेड बाय नहीं करने वाले हैं, हर एक एक चीज़ का एक एक चीज़ पापा देख देख करके बनवा रहे हैं। सो हर चीज़ हमारा
मैन्युफैक्चर्ड कराया जा रहा है कुछ भी हम आर्टिफिशियल या फिर कुछ भी डायरेक्ट हम लोग ऐसे बना बनाया नहीं ले रहे हैं, रेडीमेड नहीं ले रहे हैं। तो या हमें भी आज हम चले अपने लहंगा देखने के लिए ऐसे, क्योंकि देखो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बोली है ना कि 5-6 मंथ पहले से तू देखना शुरू कर ले, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले एक दिन, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम चाहते हैं कि हाँ हम परफेक्ट दिखे। और शादी में और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, हैव लॉट्स ऑफ प्लान्स, सो डेफिनेटली आई विल शेयर मेनी मोर थिंग्स। बट या अभी कुछ ऐसे काम वाम है उसे फिनिश करके देन हम लोग निकलेंगे दोपहर से, एंड या मैं आप लोग को भी लेके चलूंगी। एंड व्लॉगिंग बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू नहीं है, बट इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। या बहुत बोलती हूँ मैं। सो गाइज, नाउ इट्स आफ्टरनून टाइम एंड आई एम डन, सिर्फ मेकअप बाकी है, वो भी थोड़ा मोरा। आई एम नॉट गोना डू हार्ड वाला मेकअप क्योंकि बाहर बहुत चिपचिप सी गर्मी है। एंड दिस इज माई वेरी प्रिटी वेरी ब्यूटिफुल आउटफिट जिसका मैं आप लोग को लास्ट के लास्ट ब्लॉग में कपड़े दिखाई थी। एंड लुक एट द स्लीव डिटेलिंग्स, इट्स गुड। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड किस टाइप का लहंगा मेरे को पसंद आने वाला है और किस टाइप के लहंगे पे मेरी नजरें जाने वाली है। आई वेस्ट माई टाइम दैट मच, तो फटाफट से बस रेडी होके आती हूँ। 1, 2, 3, डन डन, दिस इज माई फाइनल लुक। 11 ओन द कॉमेंट, हाउ आई एम लुकिंग, थोड़ा सा भी वाइट वाइट लग रहा है, बट अभी इतना खतरनाक स्वेट आने वाला है ना कि वो व्हाइटिश जो टोन है जो हो रहा है पाउडरी पाउडरी वो रिमूव हो जाने वाला है, तो इसलिए टेंशन न करे। एंड या आई एम गोइंग टू कीप माई कैमरा इन साइड माई बैग, एंड या दैट्स इट, आई एम फाइनली डन। मैं आपको बैक कैमरा से अपना आउटफिट दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस इज माई आउटफिट, और ये यहाँ से इस टाइप से ओपन है, एंड स्लीव का डिजाइन कुछ इस तरीके से है, एंड डेफिनेटली इसके साथ दुपट्टा जाने वाले, सो आई हैव दुपट्टा, बट इसका लुक मेरे को ऐसे दिखाना है। एक्चुअली मैं इसको यहाँ से ओपन रख रही थी, बट ये बहुत ज्यादा ऊपर से ओपन हो जा रहा था, एंड यहाँ से ना मतलब बॉडी पार्ट विजिबल हो रहे थे, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा और नीचे तक कवर कर दी। एंड दैट्स इट, ऐसे चलने पे बहुत अच्छा उरेबी से इसका लुक आता है। एंड आई एम गेटिंग टू लेट क्योंकि ज़ारा मेरा वेट करिए, लेट्स मूव फास्ट। गाइस फाइनली वी आर इन खितान मार्केट, एंड अब हम जा रहे हैं अपने लहंगे देखने के लिए। भाई इधर तो बहुत अच्छी सी हवाएं आ रही है। सो गाइस फाइनली वी आर हियर इन दिस शॉप, और ये फर्स्ट फ्लोर पे शॉप है, मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे भी हम लोग लहंगा ट्राई करने वाले हैं। आई एम मीट ज़ैनब, हाय। हाय। ओके, सो फाइनली आज हम अपने लहंगा के लिए पहुंच चुके हैं, एंड वी आर हियर। तना हेलो, वो किस टाइप का लहंगा देखना है? अब भाई दूल्हे की बहन है तो दूल्हे की बहन के लायक ही लहंगा देखेगी ना, तो मतलब कुछ कलर कॉन्ट्रास्ट आप कुछ सोची है? हाँ, क्या? पिंक वो okay. वाला पिंक नहीं, अच्छा वाला पिंक। ओके okay. और ऐसे हल्दी, और इसके लिए भी मतलब हमने सोचे है ना कि मोस्टली हम लहंगा देख लेंगे कि हल्दी मेहंदी और शादी वाले दिन, तो स्पेशली है कि शादी वाले दिन, क्योंकि वो वाला लहंगा ऐसा होता है ना कि एकदम मतलब ऐसे डाउन रखिए अपने फोन को, बिकॉज यू आर हेयर विथ मी, तो थोड़ा सा इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्नैप का ना स्ट्रिक्ट मेंटेन करना पड़ता है, वरना फिर स्नैप ऐसे बाउंस करने लगते हैं कि ओ हेलो मैम, जिंदा हो आप? तो इनके पास बहुत सारे कलेक्शन है, कौन से स्टोर पे मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हम इनके कलेक्शन देखते हैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे स्लिप ऑफ टंग्स होते रह रहे हैं। या मी टू, लेट्स स्टार्ट। आप तो फेरी फेरी ट्राई करना, क्योंकि उसमें वो लगना चाहिए ना थोड़ा सा कि पड़ी आई है। आपकी भाभी को देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इमोशनल हो रही है? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं हो रहे, ऐसा ना कि आप इमोशनल हो जाओ। सीरियसली, वाओ, डैम, वाओ। पहले ही फर्स्ट ईयर ट्रायल में हम लोग को ज्यादा नहीं, जैसे कि लहंगे की बात ही कुछ और होती है। सीरियसली बचपन से हमारा ख्वाब होता है यार। यस, अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है मुझे इमोशनल होना पड़ेगा। ये देखो हमारी दुल्हनिया, ये हो गई मेरी मम्मी वाली, तो रोना तैयार। ओ मतलब मेरे को भी रोना पड़ेगा, हम भी तो यार दोस्ती है ना। लेट्स ट्राई रो। वाओ, लेकिन आपको खुश होना चाहिए ना। सुंदर, बहुत प्यारा। कैसा लग रहा है? बहुत कैसा फील, कैसा हो रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है। और मेकअप, अब ये नहीं रो देंगे, अब ये रो देंगे, अब वीडियो के नहीं, 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 रोकना पड़ेगा। रोना नहीं है यार, खुशी का चीज है। नाइस नाइस, बहुत सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इज नाउ इट्स ज़ैनब का टर्न, क्योंकि उनको ना शादी में पगड़ी बांधना है,
तो पिंक पगड़ी के लिए हमने सोचा कि पिंक लहंगा बहुत सुंदर लगने वाला है। सो हाउ इज द वाइब मैम? बहुत प्रिटी है ये भी। ये थोड़ा अलग सा है, राइट? ये चीज अलग है थोड़ा। आपको कैसा वाइब आ रहा है? आप फील हो रहा है कि आपके भाई की शादी हो रही है? फील हो रहा है। आप फील हो रहा है, आप बोल सकते हैं कि भैया अब हमने फील हो रहा है। सच में यार ये बहुत प्रीटी है। अच्छा इसका जो ये है वो नेट है, राइट? बहुत सुंदर है ये भी। दे हैव अ लॉट्स ऑफ लहंगा कलेक्शन यार, आपको जैसा चाहिए यू विल गेट। दिस इज सो प्रीटी सीरियसली। अगर पगड़ी आप इस पे लाइट पिंक में यूज करती है ना, बहुत सुंदर जाने वाला है। मागो हाउस द वाइब। गाइस दिस इज हर लहंगा एंड कैमरा में मैं ली हूँ एग्जैक्टली जो चीज है। एंड लिटरली दिस लहंगा इज ऑल्सो लुकिंग सो प्रिटी बिकॉज इसकी जो वर्क डिटेलिंग है ना वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है एंड गोइंग सो गुड विद हर। कैसा लग रहा है? सो गाइस आई एम गोइंग टू ट्राई द सेकंड लहंगा जो कि थोड़ा गोल्डन गोल्डन में है, थोड़ा नहीं। ओके गोल्डन बॉडी है इसकी, गोल्डन एंड रेड का कॉम्बिनेशन है। हाँ, बस आप लोगों को कमेंट करके बता रहे कौन सा कलर मुझ पे जा रहा है और ये भी बता रहे कि कौन सा हमने लिया। बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम टू शॉपिंग से और ज्यादा दिन तक स्टे कर सके, क्योंकि यार देखो ब्राइडल शॉपिंग उसको तो जल्दी जल्दी निपटाना होगा ना। और ये एक हमारा एक सीरीज होते हुए चला जाएगा। या मैं ना इसका सीरीज शॉर्ट सीरीज बनाने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। सो इंस्टाग्राम पे एकदम आप लोग कंटिन्यू रहना। ओके मैं इधर देख के बोल। अच्छा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। और पता है लहंगा में वेट होता है यार। हाँ वेट होता है। ब्राइड सर वैसे है, सॉरी आज मैं जिस कलर के कपड़े पहन के आई हूँ ना, इसमें सारे लहंगे जा रहे हैं। अच्छा है ना? या दिस इज ऑल्सो गुड। ये थोड़ा डिफरेंट सा है, ये जो दुपट्टा टगे ना और ये तो सफेद साची का लुक है जो कि सारे मॉडल्स पे यही वो ट्राई करते हैं। यार मेरे को भी पता है वो वाला दुपट्टा जैसे ऊपर वाली दुल्हनिया लेके आती है। हाँ। मेरे को भी मन था। अच्छा, वैसा वो दुपट्टा आप लोग रखते हैं क्या जो पीछे से ये रहता है नीचे से मतलब जमीन पे ऐसे लेटता हुआ रहता है बैक साइड से? नहीं वो सब जो बनता ना सब ऑर्डर से। अच्छा हाँ उसको ऑर्डर से बनवा। अच्छा अगर किसी को सपोज बनवाना रहा तो बनवा सकते हैं। अब ये जो दुपट्टा ओढ़ेंगी ना इसमें हमको बड़ा वाइब आता है। अच्छा पर्सनली बहुत ज्यादा, मतलब ये अलग से जो दुपट्टा ओढ़ा जाता है ना उसमें ब्राइडल वाइब्स आते हैं। यस मजा आता है, सबके दिन आएंगे। यस मेरे भी आएंगे यार, शादी का यही तो एक मजा है कि हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। क्लिप था ना, ये भी वेलवेट में है। मोस्टली ऐसा गफ कपड़ा ना आपको वेलवेट में मिलेगा, ऐसे वेलवेट की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, वो वाला नहीं है कि बहुत मोटा है। अब ये दुपट्टा भी जो है ना वेलवेट से अलग है। यार हम लोग ऐसे गुड़िया को लहंगा पहनाते थे ऊपर से एक दुपट्टा देते थे। नाइस आप पे सारा डार्क कलर जा रहा है ना, मरून साइड वाले में मरून हो गया, रेड हो गया, कुंदन हो गया। वो वाला एक कीजिएगा कैमरा से। Guys, so pretty, so pretty. बहुत सुंदर है, ट्राई कर लेते हैं, वो कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। So guys, this is red melanga, बोलिए। Red में है ना? नहीं, इसका rate नहीं पूछ रहे। Maroon. Actually, आप बोल लहंगा दिखा रहे हैं भैया, बहुत सुंदर है, इसलिए मैं खुद ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। खिलता हुआ मैरून। और ये जो कपड़ा है ना इनका कौन सा कोरियन वेलवेट है, वो वाला वेलवेट जो हम यूज करते हैं, इसीलिए सोचिए कि बड़ा सॉफ्ट लग रहा है, मजा आ रहा है देख के। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है भैया। आईज व्हाइट, ओ माय गॉड, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट कलर। ये जान आपको मैं ट्राई करा रही हूँ ताकि थोड़ा फेरी वाला लुक आए। इसमें पर्ल वर्क है ना,
बहुत प्यारा लग रहा है। क्या लगाएंगे? आपका लहंगा जा रहा है। आपको वो रखना है सर पर दुपट्टा वाला, है ना, रेड रेड में। रेड में हाँ, वो वाला चाहे व्हाइट में होगा तो पहले रेड रखिए फिर व्हाइट। हाँ पहले वो रेड वाला डालिए। ये वाला चुन्नी अच्छा था, जाएगा इस पे। नाउ हाउ इज द फील? दुपट्टा ओढ़ने के बाद, हाँ दुपट्टा ओढ़ने के बाद वो अलग फील ही आता है यार। ओ माय गॉड, लुकिंग गुड। पिंक वाले पे आपको दुपट्टा रखना चाहिए था, बट नहीं। हाँ प्यारा लग रहा है, रुके कैमरा से लेते हैं। तो गाइस अब आपको देख के लग रहा होगा ओके लग रहा है, अभी इनकी शॉपिंग शुरू हो चुकी है। सो यार डेफिनेटली हमने अपनी शॉपिंग शुरू कर दी है क्योंकि टाइम नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। और यार स्किन केयर भी तो करना है। रुके अब आपको कैमरा मारते हैं। तो गाइस मेरे को ना ये वाला ट्राई करना है क्योंकि बहुत डिफरेंट सा लग रहा है, सो इसलिए मैं बोली कि अभी इसे हम ट्राई करते हैं। They have lots of collections. सेम है क्या? वो पिंक में हो गया भैया, वो पूरा गोल्डन पे है ये, और वो सेम है क्या? सेम है? नहीं एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। कलर तो है, पता ये पिंक में आ जाएगा, आपको ये ट्राई करना चाहिए। देखिए पूरा मैचिंग के साथ पहनिए। अच्छा अच्छा उनको पहना दीजिए फिर एक और ट्राई कर लेंगे। ये वेलवेट कपड़ा नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सुंदर, हमारा पहला लहंगा का शॉपिंग है और हम डायरेक्ट यहीं पहुंचे बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ऐसा रिकमेंड भी किया है हमें यहाँ का। एंड ये पता है थोड़ा वो बनारसी वाइब आ रहा है। हाँ बनारसी हो गया, यस सिल्क में। हाँ हम लोग लगा था कि बनारसी, उस टाइम याद नहीं आ रहा था अपना। यस बट पता है जो भी बोले, जब सबसे पहले जो देखे हैं ना, हाँ वो बहुत अच्छा था क्योंकि वो पूरा ब्राइडल वाला वाइब दे रहा था, जैसे उसका कलर अच्छा लग रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत लगा। दुल्हन पर रेड ही अच्छा लगता है, रेड नहीं तो मरून। ये सब पता है एंगेजमेंट, यस एंगेजमेंट चाहे या फिर नहीं, या फिर अपनी विदाई के टाइम पे यूज कर सकते हैं। मेन तो हम उनका रिसेप्शन के टाइम पे है कि कुछ डार्क लेंगे, राइट? रिसेप्शन के लिए कि कुछ डार्क सा लेंगे। वो सारे कलर्स जा रहे थे फेस पे ना। ये जिसका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा ना उस पे ये बहुत सुंदर लगने वाला है। देखो हर चीज कॉम्प्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल, क्योंकि चीज कोई भी खराब नहीं होता है। और बट आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग बहुत सुंदर लगेगा। वैसे अच्छा लग रहा है, सुंदर तो लग रहा है। चीज ये बहुत अलग है, देखिए नीचे में उसका पूरा कटिंग किया हुआ है, जो बॉर्डर से नीचे का उसका पूरा कटिंग किया हुआ है, प्लेन नहीं है। ओके इसमें बेल्ट है, ये भी है कुछ। ओ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे नहीं रहा। हाँ वो बेल्ट उसमें रहेगा ना, लहंगा। ओ वाव सो क्यूट, बहुत क्यूट से। अच्छा ये इसी का है यहाँ सेट, बहुत बहुत प्रिटी। इसमें चुन्नी नहीं है, इसमें चुन्नी नहीं है, ये लहंगा है। वैसे इसको रिसेप्शन पे आप पहन सकते हो, अगर आप मतलब ब्राइड की बहन हो, दुल्हन की बहन, दूल्हे की बहन, और आपको थोड़ा सा हेवी लुक चाहिए, रिसेप्शन वाले दिन पे भी तो चाहिए होता है, तो यार उस दिन के लिए भी ये बहुत परफेक्ट लहंगा है। देखो देखने से इसका लुक बहुत सटल है एंड बहुत सुंदर। सो गाइस इस लहंगा के साथ साथ आपको ये पोटली बैग मिल रहा है जो कि बिल्कुल ही इसी का है, एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है। अलग से आपको पर्स नहीं लेना पड़ेगा, बट मेरे को लगा, मैं मुझ पे ऐसा लग रहा है कि वो मैरून वाला बहुत सुंदर लग रहा है। और मतलब मेरा ऐसा माइंड सेट है ना कि रिसेप्शन के लिए मेरे को मैरून चाहिए, विदाई के लिए मैं कुछ और कलर देख सकती हूँ, क्योंकि विदाई के लिए ऐसे मेरे पापा बोले कि तुम लहंगा देख लेना, तो पापा के लिए यार हम कुछ लहंगा वहंगा ले लेंगे पापा के लिए। पापा के विदाई के लिए अंकल आप अगर देख रहे हो
देखो इन्होंने बोला है यहाँ पे सबके सामने कि पापा की विदाई के लिए लहंगे लेंगे। नहीं, जैसे पापा का बात रखने के लिए विदाई के लिए मैं खुद पापा पे यार इतना एहसान कर देंगे, पापा तो प्यार से बोले तो एक लहंगा तो ले ही लेंगे पापा के लिए। लुकिंग ब्यूटीफुल, बता रहे हो बाबा बता रहे हैं। पता है अभी ना एक चीज याद आया, जैसे कि हम लोग रिसेप्शन पे कितना स्माइल करना होता है ना। हाँ। अभी मैं चार पांच बस पिक्चर ली हूँ ना, उसमें स्माइल किया तो ऐसा लग रहा है कि यार ये जॉलाइन पूरा पेन हो रहा है। अब सोचो रिसेप्शन वाले दिन क्या हालत होने वाली है, कितना फेक स्माइल देना पड़ता है रिश्तेदार को देख देख के, ही करना पड़ता है कितना। यहाँ यहाँ ना टेप लगा देंगे ऑटोमेटिक स्माइल होते रहे इधर से ही रेड में। हाँ रेड में, हेवी में पता है यार। नहीं हमें नहीं पता, नहीं अब मैं बता रही हूँ ना, बोलूंगी मैं जाऊंगी जाऊंगी मैं, माय लाइफ माय रूल, नो बकवास बेफिजूल, समझ जाओ, माय लाइफ माय रूल, लहंगा लेके जाएंगे समझ में। तो हमने डिसाइड किया बट अभी हमने फाइनलाइज नहीं करे है। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोग को कौन सा वाला डिजाइन पसंद है। अभी एक और हम फाइनल निकलवा रहे हैं रेड में, एकदम रेड एकदम हेवी ब्राइडल बहुत खतरनाक वाला। तो अभी भैया बोले कि हाँ हम निकाल रहे हैं, तो बस हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यार, पाँव में बहुत ज्यादा पेन हो गया है। एंड इधर जो बड़े बड़े से हेलोजन थे वो भी खाएंगे बाहर। अभी पता है मेरे को बाहर भी कुछ कुछ देखने थे, तो उस टाइम जब हम लोग आए थे ना बहुत बाहर वाला वो सब, पता है सीरीज जो इसका बना रहे हैं ना बहुत अच्छा सीरीज बनने वाला है, तो इसीलिए हमने सोचा ना कि सीरीज शुरू करते, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम एंड आफ्टर मैरिज। आप ट्राई कीजिएगा, आप करें चाहे हम करें, बतवा तो दोनों का शक्ल तो मिलता ही है, मिलता ही है। सच में हम लोग का शक्ल मिलता है। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई करूंगी। हाँ। ये थोड़ा रेस्ट करें। हाँ यार मेरे पाँव में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, शादी के दिन बोलेंगे आप हट जाइए थोड़ा सा हम आ जाते हैं। हाँ, हम कुछ वैसे ही ले लीजिएगा, अरे घूंघट ले लीजिएगा, लड़की बहुत शर्मीली है यार, शक्ल नहीं दिखाती हमारे यहाँ का रिवाज, हमारे यहाँ का रिवाज है ये सब। ये ट्राई कीजिए, प्यारा लग रहा है। चलिए अब इनको ट्राई कराते हैं। सो हाउज द फील मैम, देखो ये अब, मत सोचो फील होगा क्योंकि ये हाँ, अब ब्राइड वाला फील है ना, ठीक है। अब ये सोचो कि तुम्हारी शादी हो गई, या बस अब यही सोचो आप। एंड दिस इज OMG, सच में ये रेड बहुत प्यारा लग रहा है ना। या हम लोग फर्स्ट डे में कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गए ना। सीरियसली पता है दिस मच लाइट इज एनफ, Yes. This is looking so good. इस पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बहुत बहुत इतना सारा लाइट जो एक दूसरे में रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्ट हो रहा था। हाँ मतलब वो ना ऐसे नेचुरल आईज से देखने में प्यारा लग रहा था, बट ऐसे कैमरा में अब ये रियल चीज आ रही है इतने लाइट में, लुकिंग गुड। ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। चलो अब इसको फाइनलाइज करते हैं, पहले मतलब फाइनलाइज दिया ऑर्डरिंग फाइनलाइज, तो इनको फाइनल करते हैं, इनको रेडी कराते हैं, देन फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मतलब रेड का वेलवेट का जो वो बनेगा ना वो बहुत सुंदर लगेगा, ये थोड़ा हाँ ये हाँ हाइड हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं चुन्नी में इसको यूज करूँ वो बहुत सुंदर लगने वाला है। अच्छा आप अपने भाई की शादी में इसको पहन तो सकती हैं यार, कहीं मेरे को सब दुल्हन समझ के, क्योंकि उस दिन मैं नहीं रेडी होने वाली हूँ ना इतना। Oh, yes. और रिसेप्शन वाले दिन फिर मैं रेडी होंगी हेवी, बट रिसेप्शन वाले दिन तो आपका भाग दौड़ होगा, मेरे को नहीं पहन सकती ना। देखो ये सच में, ओ वाह यार ये एकदम सिमिलर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। फील आ रहा है, अब वाह वाइब आ रहा है। दिस इज प्रीटी, पर इसमें फेस बहुत अलग सा खिल गया। लाइट्स भी कम हो गया है। हाँ इस लाइट में ये बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे अच्छा लग रहा है। नहीं 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 ठीक है ठीक है, पहले अच्छा था कि अभी एक साड़ी पंद्रह, अब हमको दिन वाला फील हो रहा है। हाँ अब ये चुन्नी ओढ़िए घर, दिस इज प्रीटी, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। या वाओ बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। रेड का बात ही, रेड का बात अलग होता है। हाँ क्रीम ले ले, ऑफ व्हाइट ले ले, व्हाइट ले ले, नहीं यार जो बात रेड में मरून में है ना
वो बात नहीं होता है ऑफ वाइट और ये क्रीम कलर वगैरह में बहुत सुंदर लग रहा है। बन्नों से बढ़ के लग रहा है। बहुत बहुत प्रीटी लग रहा है। इसका चुन्नी का पता है ये जो डिटेलिंग्स है ना ये बहुत प्यारा लग रहा है। इस पे हम लोग मतलब एक्स्ट्रा से भी वो सब लगवा सकते हैं ना वो जो ब्राइडल दुपट्टे में वो रहता है लटकन वगैरह। हाँ मोती है। हाँ अच्छा 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 वो जो फाइनल होता है तो वो लग के मिलता है। ओहो अच्छा अच्छा इसका दुपट्टा क्योंकि बहुत सुंदर है। लीजिए आप लोग हैं कितान मार्केट की दम बीच में लाइक लुक एट दिस और यहाँ जो फूड स्टॉल है सो वी आर थिंकिंग टू बाय समथिंग बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आजकल मैं इतना ज़्यादा खा रही हूँ ना मैं क्या बताऊँ। क्या लें क्या लेना है। हाँ तो यहाँ से रहने देते हैं जहाँ फ्रेश मिले वहीं फ्रेश मिले। हमने भूख लगी थी हमने वहाँ वाले स्टॉल में देखा बट कुछ भी उतना कुछ फ्रेश नहीं लग रहा था तो हम थोड़ा यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। भूख लगी है मेरे को बहुत कस के आजकल मुझे इतना इतनी ज़्यादा भूख लग रही नहीं मैं क्या बताऊँ। गाइस नाउ वी आर इन रिलायंस ट्रेंड्स ऊपर में है ना लेडीज़ का कलेक्शन या फाइनली हमने लहंगा को फाइनलाइज कर लिया है एंड या वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। आपको कौन सा वाला पसंद आया था आपके लिए या कुछ डार्क में अच्छा लग रहा था वो रेड वाला अच्छा लग रहा था बट रेड वाला तो आप पहनोगे नहीं अच्छा तो लग रहा था मतलब कुछ कलर्स ना जब आप ब्राइट बनो तो उस टाइम के लिए रखना चाहिए। ओके इधर बच्चों का सेक्शन है सो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ के रिलायंस ट्रेंड्स में आए हैं एंड देखते इधर का कलेक्शन क्या है कैसा है। वाओ ये कितना प्रिटी वे में डेकोर किया हुआ है ना गाइस। हमें चांद जहाँ दिखता है हम बस कैमरा अपना ऑन कर लेते हैं एंड फिलहाल हम ट्रेंड्स में थे। सो गाइज फाइनली आई एम बैक टू माई होम एंड इट्स 9 PM अगेन। आज हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया। एक्चुअली हम निकल तो बहुत जल्दी गए थे और हमारा जो लहंगा का सब देखना वेखना था वो भी काम हो गया था बट उसके बाद फिर जो हम शॉपिंग्स में लगे वी डिड लॉट्स ऑफ शॉपिंग्स बट आई एम नॉट गोना शेयर कि हमने क्या क्या बाई करी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यार वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब वैसे भी देखो शादी का जो घर होता है ना वहाँ बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स होते हैं ये होते हैं वो होते हैं छोटी 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 चीज़ें ही करके ना बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। सो यार डेफिनेटली वी डिड लॉट्स ऑफ शॉपिंग्स एंड जैनब ने भी करे मैंने भी करे और हम लोग शॉपिंग में इतने ज़्यादा गुम हो गए थे कि हम शूट बिल्कुल भी नहीं किए। बस लहंगा जो मेन सीरीज़ का था ना लाइक मेन जो चीज़ था लहंगा शेयर करना वो हमने करे एंड हाँ हमने मतलब अभी डिसाइड नहीं किया कि हम एग्जैक्टली वहीं देखेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ कि हम और जगह जा कर के देखेंगे क्योंकि यार शादी का टाइम होता है बस अब एक शॉप से या एक स्टोर से आप देख के फाइनलाइज नहीं कर सकते। वैसे हमें पसंद आया था बट मैं और भी ज़्यादा और भी जगहों पे एक्सप्लोर करना चाहती हूँ क्योंकि अभी टाइम है। अभी ऐसा नहीं है गाइस ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक दो महीने के अंदर शादी होने वाली 3 महीने के अंदर शादी होने वाली नहीं टाइम है अभी बट फिर भी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहती हूँ। सो या आई होप ये वीडियो पसंद आया हो आप लोग को मेक श्योर कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से करना एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सो टायर्ड बस मेरे को सोना है यार मैं बहुत थक चुकी हूँ। बाय बाय।